हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज चौधरी, योर साइंस टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ह्यूमन बॉडी द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, हम सबसे पहले उसका फ़ोटो देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम। जो हमारी जितनी भी बोन्स होती हैं, उसके पूरे स्ट्रक्चर को, उसके पूरे फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन इस टाइप का दिखता है। आज इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स जॉइंट टुगेदर बाय जॉइंट्स। द ह्यूमन बॉडी हैज़ डेफिनेट शेप एंड साइज, इट इज़ ड्यू टू बोन्स एंड मसल्स अंडर अवर स्किन। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है, वो बोन्स का बना होता है, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जॉइंट होती हैं, और जहाँ पर दो बोन्स एक साथ जॉइंट होती हैं, हम उसको बोलते हैं जॉइंट। जैसे कि अगर हम स्केलेटल सिस्टम में देखें, तो हमारी ये आर्म मसल्स हैं, ये अपर आर्म मसल है और ये एल्बो के नीचे वाली आर्म मसल है। ये दोनों बोन यहाँ पर जॉइंट हैं, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जॉइंट। हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो डेफिनेट शेप और साइज होता है, आपने देखा होगा हर ह्यूमन बॉडी का, कोई भी पर्सन है तो उसका एक शेप होती है और एक साइज भी होता है ह्यूमन बॉडी का। तो जो हमारी बॉडी को शेप और साइज जो मिलता है, वो हमारी बोन्स और स्किन के अंदर जो मसल्स होती हैं, उसकी वजह से वो शेप एंड साइज मिलता है। बोन्स कंबाइंड विद अदर बोन्स एट द जंक्शन कॉल्ड जॉइंट्स। एक बोन जब दूसरी बोन से जिस पॉइंट पर आकर मिलती है, उस पॉइंट को, उस जंक्शन को हम बोलते हैं जॉइंट। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स मसल्स एंड जॉइंट्स मेक ह्यूमन बॉडी टू वर्क इनक्रेडिबली। हम कोई भी वर्क कर पाते हैं, हम खेलते हैं या कोई अदर वर्क करते हैं जिसमें हमारी बॉडी का मूवमेंट रहता है, किसी भी पार्ट का, तो वो किसकी वजह से मूवमेंट हो पाता है, जब हमारी बोन्स मसल्स के साथ मिलकर वर्क करती हैं, उस वजह से हमारी बॉडी मूव कर पाती है। बोन्स फ्रॉम द बॉडीज हार्ड स्ट्रॉन्ग स्केलेटल फ्रेमवर्क वाइल मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बोन्स। जो हमारी बॉडी की बोन्स हैं, वो हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं, साइज देती हैं और हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं, और जबकि मसल्स जो होती हैं अंडर स्किन, वो बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, बोन्स के पूरे फ्रेमवर्क को, पूरे स्ट्रक्चर को, जिससे जो हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट भी करता है, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। और ये हमारे जो सॉफ्ट, डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, इंटरनल, जो बॉडी के अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट है, लिवर है, इन सब ऑर्गन्स को, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कौन, स्केलेटल। जो हमारी बोन्स हैं वो हार्ड होती हैं, उनके अंदर हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट सॉफ्ट ऑर्गन्स रहते हैं और वो बोन्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बोन्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स इन अवर बॉडी। बोन्स जो हमारी बॉडी में, वो काफ़ी हार्ड होती हैं, और टोटल 206 बोन्स ह्यूमन बॉडी में होती हैं। लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी आर हॉलो एंड कंटेन अ जेली लाइक मटेरियल। जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं, जैसा कि फीमर है, फीमर होती है हमारी थाई मसल बोन जो होती है, उसको हम फीमर बोलते हैं। हॉलो मतलब अंदर से खाली। जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं, वो अंदर से हॉलो होती हैं और उसमें एक जेली लाइक मटेरियल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस जेली लाइक मटेरियल को बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। ये हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स हैं, उसके अंदर में फिल होता है एक जेली लाइक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। अब बोन मैरो किस काम में आता है, क्या करता है ये, बोन मैरो प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स एंड स्टोर्स फैट। ये हमारी ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो बोन मैरो के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं ना, और ये स्टोर्स को भी, फैट को भी स्टोर करता है। नाउ लेट अस डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन वन बाय वन। अब हम स्केलेटन के कितने पार्ट हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज स्कल। स्कल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, वो है स्कल, जो हमारे अपर हेड में ये वाला जो पार्ट होता है, अगर स्केलेटन में देखें तो ये वाला पार्ट जो है, इसको हम बोलते हैं स्कल। तो ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, और इसका वर्क फंक्शन क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देना। द स्कल
द स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स जॉइंट टुगेदर। अब अगर देखें तो हमारा स्कल, हमको अगर फील करें, आप उसको अपने हैंड से टच करके फील करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये एक सिंगल बोन का बना हुआ है, मगर ऐसा है नहीं। हमारा जो स्कल है वो 22 बोन्स को मिलाकर बनता है। इट हैज़ टू पार्ट, स्कल के टू पार्ट होते हैं, लोअर जॉ एंड अपर जॉ। अगर आपने माउथ को देखेंगे तो जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से लेकर स्केलेटन में देखते हैं, समझते हैं, ये यहाँ से लेकर नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लोअर जॉ, और इसके ऊपर वाला जो सारा पार्ट है इसको बोलते हैं अपर जॉ। तो स्केलेटन के टू पार्ट हो गए, लोअर जॉ एंड अपर जॉ। द अपर जॉ इज़ मेड अप ऑफ 14 बोन्स। हमने अभी देखा स्कल जो है टोटल 22 बोन्स का बना हुआ होता है, उसमें से अपर जॉ में 14 बोन्स होती हैं और लोअर जॉ में 8 बोन्स होती हैं, टोटल मिलाकर 22। ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। स्कल में जितनी भी हमारी टोटल 22 बोन्स हैं वो फिक्स होती हैं, हम उनको मूव नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट द लोअर जॉ। अगर आप ये ट्राई करके भी देख सकते हैं, स्कल के पूरे पार्ट में सिर्फ एक लोअर जॉ ही ऐसा पार्ट है उसको आप मूव कर सकते हैं, अपर जॉ वाले पार्ट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि वो फिक्स होता है। द मूवेबल लोअर जॉ इनेबल्स अस टू टॉक एंड ईट। और जो हमारा लोअर जॉ है जिसको हम मूव करा सकते हैं, उसकी वजह से हम खाना खा पाते हैं, उसको च्यू कर पाते हैं और बातें या टॉक भी लोअर जॉ के मूवमेंट की वजह से ही कर पाते हैं। नाउ रिबकेज। द रिबकेज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स। जो हमारा रिबकेज, देखो ये है रिबकेज जो कि हमारी लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। रिबकेज जो है 12 पेयर्स ऑफ बोन्स का, कर्व्ड बोन्स का, कर्व्ड है जैसे ये आप देख रहेंगे इसमें थोड़ा सा कर्व आ रहा है इसको, ये हैं सारी की सारी जो रिबकेज की बोन्स होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, और ये 12 पेयर्स में होती हैं। 12 पेयर्स मतलब टोटल 22 बोन्स हो गई और ये पेयर्स में होती हैं, 1 एंड 1, ये हो गया एक पेयर, फिर ये सेकंड पेयर, इस तरीके से पेयर्स में होती हैं रिबकेज की बोन्स। और रिबकेज की बोन्स को हम क्या बोलते हैं, रिब्स। द रिबकेज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट। और रिबकेज का ये पूरा जो फ्रेमवर्क है इसका फंक्शन क्या है, लंग को और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड टू द अपर पार्ट ऑफ द बैकबोन। और हमारी जितनी भी रिब्स बोन्स हैं ये सारी की सारी हमारी बैकबोन जो कि पीछे की साइड होती है हमारी बॉडी में, उससे जाकर कनेक्टेड होती हैं। इन फ्रंट फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टर्न। अब देखिए इसमें देखते हैं, ये जो बोन है ये फ्रंट पार्ट में होती है हमारी बॉडी के आगे की तरफ होती है और इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। इस बोन का नेम है स्टर्नम। अब अगर रिब केज में देखें तो टोटल 12 पेयर्स मैंने बताए थे, टोटल 12 पेयर्स होते हैं और इसमें से अपर वाले, ऊपर वाले जो 7 पेयर्स हैं, ये वाले जो 7 पेयर्स हैं ये हमारी स्टर्नम बोन से कनेक्टेड होते हैं। आप देख भी सकते हैं शुरू के स्टार्टिंग के अपर जो 7 पेयर्स हैं बोन्स के, रिब्स के, वो इस बोन से कनेक्टेड हैं, स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं। दीज रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। जो हमारे फ्रंट रिब्स हैं जो कि स्टर्नम बोन से कनेक्टेड हैं उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। द नेक्स्ट 3 रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम थ्रू अ कॉमन कनेक्टिंग बोन। जो रिब के 7 के बाद, अपर 7 के बाद बाकी के जो नीचे वाले 3 पेयर्स होते हैं ये स्टर्नम के नीचे एक छोटी बोन होती है उससे कनेक्टेड होते हैं। द लोएस्ट 2 पेयर्स आर नॉट कनेक्टेड टू द स्टर्नम एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। अब बाकी के जो नीचे वाले 2 पेयर बचे रिब्स के वो स्टर्नम बोन से कनेक्टेड नहीं होते हैं और इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। द लास्ट 5 पेयर ऑफ रिब्स आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स रिब्स। जैसा कि हमने देखा था अपर 7 रिब्स जो थे, पेयर जो थे, उनको हम ट्रू रिब्स कह रहे थे और जो लोअर वाले 5 पेयर्स हैं रिब्स के उसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं। बैकबोन। द बैकबोन सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए बैकबोन का हम पहले फोटो देख लेते हैं। हमारी बैकबोन इस तरीके की होती है और ये टोटल एक बोन नहीं है, ये छोटी छोटी 33 बोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से जॉइंट होती हैं। 33 टोटल बोन्स होती हैं और कंबाइंडली इसको हम बोलते हैं बैकबोन। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती है। द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम।
इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल एंड होलो बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। ये जैसा कि मैंने अभी बताया था 33 स्मॉल बोन्स की बनी होती है और एक हॉरस बोन को हम, जिसकी बैकबोन बनी हुई है, 33 बोन्स जो हैं उसको हम वर्टिब्री बोलते हैं। दीज बोन्स आर अरेंज्ड ओवर ईच अदर एंड फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इट हेल्प्स अस टू बेंड एंड टर्न, और बैकबोन की हेल्प से ही हम टर्न और बेंड या झुक पाते हैं। लिम्स, द टू पेयर्स ऑफ लिम्स आर द फोर लिम्स एंड द हैंड लिम्स और लेग्स। हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल फोर लिम्स होते हैं। जो अपर लिम्स का पेयर है उसको हम बोलते हैं फोर लिम्स, या आर्म भी होती हैं जो हमारे हैंड्स होते हैं, और लोअर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं हैंड लिम्स, जो कि हमारी लेग्स हैं। द आर्म्स आर कनेक्टेड टू द बैक बोन विद द हेल्प ऑफ शोल्डर बोन्स। जो हमारी आर्म्स होती हैं वो शोल्डर बोन्स के थ्रू हमारी बैक बोन से कनेक्टेड होती हैं। द थाई बोन और फीमर, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारी थाई बोन होती है जिसमें क्या मिलता है, जेली लाइक मटेरियल जिसकी बोन मैरो, जिससे रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, उसका नेम है फीमर। ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। इट बियर्स द वेट ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है उसको कैरी करने का वर्क ये बोन, फीमर बोन, करती है। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन, जो हमारा स्केलेटन है उसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। द स्केलेटन गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को शेप देता है, शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी देता है डिफरेंट मूवमेंट्स में। विदाउट स्केलेटन आवर बॉडी सिस्टम वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड। अगर स्केलेटन ना हो तो हम स्टैंड भी नहीं कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। अब बोन्स ही नहीं होंगे तो स्टैंड कैसे करेंगे। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अवर सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट और डेलिकेट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ये उनको प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, ये इन सब डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी इंजुरी से। फॉर एग्जाम्पल स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जैसा कि हमने देखा था स्कल जो होता है, जो हार्ड पार्ट है हमारी बॉडी का, हार्डेस्ट पार्ट है, वो ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। रिब केज हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। बोन्स अलोंग विद मसल्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और बोन्स का और मसल्स का कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। बोन्स कंटेन बोन मैरो वेयर आवर रेड ब्लड सेल्स आर प्रिपेयर्ड, और कुछ बोन्स में बोन मैरो भी मिलता है, जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं उसमें जेली लाइक मटेरियल बोन मैरो मिलता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मसल्स। मसल्स आर फ्लैशी टिश्यूज विच आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। जो मसल्स होती हैं हमारी बोन्स से कनेक्टेड होती हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर टिश्यूज से, जिनको हम टेंडन्स बोलते हैं। जैसा कि देखिए सर, बोन्स के ऊपर आप देखें, अगर यहाँ पर फ्लैशी पार्ट होता है, फील भी कर सकते हैं अपने हैंड को कहीं भी टच करिए, तो बोन्स के ऊपर फ्लैशी पार्ट जो होता है वो टेंडन होता है, और जिससे टेंडन क्या होता है, जिससे कि हमारी बोन से मसल जो है जुड़ी हुई रहती हैं, चिपकी हुई रहती हैं। देर आर मोर देन 600 मसल्स इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में टोटल 600 मसल्स, डिफरेंट 600 टाइप्स की मसल्स मिलती हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। जैसा कि हमने पहले भी देखा, बोन्स और मसल्स जो होती हैं वो एक साथ मिलकर जॉइंटली हमारी डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। अब देखते हैं कितने टाइप की मसल्स होती हैं। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल्स। दीज मसल्स, द स्केलेटल मसल्स लाई बिटवीन द स्किन एंड द बोन्स। ये हमारी बोन और स्किन के मिडिल में, बीच में होती हैं। दीज मसल्स कैन मूव एट अवर विल, सो दे आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स। ये जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमारी आर्म मसल है, ये इनको हम वॉलेंटरी मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि विल, ये हमारी मर्जी से मूव करते हैं। हम जब चाहें इनको मूव करवा सकते हैं, जब चाहें इनका मूवमेंट स्टॉप कर सकते हैं। ये हमारी विल के ऊपर होता है, हमारी मर्जी के ऊपर होता है, इसलिए हम इनको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स आर यूज्ड इन रनिंग, वॉकिंग, लाफिंग एंड ईटिंग। नाउ सेकंड इज स्मूथ मसल्स। मसल्स ऑफ सम बॉडी ऑर्गन्स सच एज द वॉल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर स्मूथ मसल्स। हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लिवर है या स्टमक है, तो इनकी सरफेस पर, इनके सरफेस पर जो मसल्स मिलती हैं हम उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स।
दीज मसल्स वर्क ऑन देयर ओन, सो दीज आर कॉल्ड इन्वेंट्री मसल्स। ये जो मसल्स होती हैं ये अपने खुद पर वर्क करती हैं, हम इनका मूवमेंट या इनका वर्क जो है स्टॉप नहीं करवा सकते जब चाहें, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करती हैं। द थर्ड वन इज़ कार्डियक मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ अवर हार्ट आर कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स वर्क कंटिन्यूसली सिंस अवर बर्थ। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कार्डियक मसल्स काउंट्स वन हार्ट बीट। जो हमारे हार्ट में जो मसल्स मिलती हैं उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं, और ये ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग थ्रू आउट अवर लाइफ वर्क करती रहती हैं। और कार्डियक मसल्स का एक कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन उस वन हार्ट बीट बोला जाता है, यानी जब कार्डियक मसल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक बार एक्सपेंड होती है तो हम उसको वन हार्ट बीट काउंट करते हैं। अब चलिए देखते हैं मसल्स वर्क कैसे करते हैं। हाउ मसल्स वर्क। मसल्स वर्क इन पेयर्स बार कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कोई भी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की हेल्प से फंक्शन कर पाती है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप एक रबड़ लें और उसको स्ट्रेच करें और छोड़ दें, जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो हो गया एक्सपेंशन, और जब उसको हम रिलीज़ कर देंगे तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। इस वे में ही हमारी मसल्स भी वर्क करती हैं। ए कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स बिकम्स टाइटर एंड शॉर्टर। जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, श्रिंक करती है, तो वो टाइट हो जाती है। When an expanded muscle is relaxed, it goes back to its original shape। और जब मसल एक्सपेंड करती है तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इस तरीके से मसल्स मूव करती हैं। द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स इन आवर आर्म्स आर वॉलेंट्री मसल्स दैट वर्क टुगेदर। हमारी बाइसेप्स जो आर्म मसल्स हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये दोनों हमारी आर्म में प्रेजेंट होती हैं, ये वॉलेंट्री मसल्स हैं। वॉलेंट्री मतलब हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, और ये दोनों एक साथ, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल पेयर में वर्क करती हैं, दोनों एक साथ वर्क करती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट जॉइंट्स। जॉइंट्स मैंने जैसे ही पहले बताया था आपको, जहाँ पर दो बोन्स आपस में जिस जंक्शन पर आकर जॉइंट होती हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर इन आवर बॉडी। एट द जॉइंट्स बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग एंड टफ टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। दो पॉइंट जहाँ पर जॉइंट प्रेजेंट होता है, वो दो बोन आपस में एक टफ और स्ट्रॉन्ग टिश्यू से कनेक्टेड रहती हैं, और उस टिश्यू को हम बोलते हैं लिगामेंट। जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जॉइंट्स जो होते हैं टू टाइप्स के हैं, एक होती है मूवेबल और एक होते हैं इमूवेबल। कुछ हमारी बॉडी के जॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मूव कर सकते हैं, जैसा कि हमारा आर्म जॉइंट, आर्म वाला जॉइंट है, एल्बो वाला जॉइंट है, उसको हम मूव करवा सकते हैं। और कुछ इमूवेबल जॉइंट्स भी होते हैं, जैसा कि हमारी स्कल में 22 बोन्स थी, वो आपस में जॉइंट थी लेकिन उसको हम मूव नहीं करवा सकते। तो मूवेबल जॉइंट एंड इमूवेबल टू टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इमूवेबल जॉइंट, फील योर हेड। अगर हम अपने हेड को, स्कल को फील करें, योर स्कल में फील एंड लुक लाइक वन बिग बोन। हमें स्केल को अगर आप टच करके देखेंगे, फील करके देखेंगे, तो ऐसा फील होगा कि ये पूरा एक बोन है, एक सिंगल बोन है, जबकि ऐसा है नहीं। इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स जॉइंट टुगेदर एट दैट गिव अ फिक्स शेप। जबकि ये 22 बोन्स का मिलकर बना हुआ होता है और एक शेप उसको मिलती है। अ फिक्स्ड जॉइंट एज द नेम इंडिकेट्स मूव्स लिटिल। फिक्स्ड जॉइंट्स हैव ओनली स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। और जैसा कि हम जानते हैं, फिक्स्ड जॉइंट जो होते हैं वो बिल्कुल भी या थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा मूवमेंट उसमें नहीं हो सकता है। और फिक्स्ड जॉइंट के बीच में जो बोन्स होते हैं उनमें बहुत ही कम स्पेस होता है। नेक्स्ट इज मूवेबल जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स प्रोवाइड फ्री मूवमेंट टू द बॉडी। मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो कि बॉडी के हैं, मूव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आर्म वाला जॉइंट, एल्बो वाला जॉइंट है। दीज जॉइंट्स आर कवर्ड विद कार्टिलेज विच प्रिवेंट्स द रबिंग ऑफ बोन्स अगेंस्ट ईच अदर। ऐसे मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं जहाँ पर दो पॉइंट जॉइंट कर रही होती हैं, उस जंक्शन पर एक टिश्यू होता है, एक ऑयली सब्सटेंस होती है जिसको कार्टिलेज बोला जाता है। कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है कि जब हमारी बोन्स, दो बोन्स मूव कर रही हैं तो वो आपस में रब ना हो, उसको बचाने के लिए कार्टिलेज वहाँ पर टू बोन्स के जॉइंट पर फिल होता है। द फोर काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स आर एज फॉलोज। अभी हमने दो टाइप के जॉइंट्स पढ़े, इमूवेबल एंड मूवेबल। अब मूवेबल के अंदर भी फोर टाइप्स के जॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ द बोन्स टू मूव इजिली इन ऑल डायरेक्शन। तो
हमारी बॉडी के ऐसे जॉइंट जिनमें हम अपनी बोन्स को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, जैसा कि हमारी आर्म है शोल्डर जॉइंट पर होती है। शोल्डर जॉइंट जो है, हम अपनी आर्म को शोल्डर जॉइंट की वजह से किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, अपर डायरेक्शन में भी, लोअर में भी, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो इस टाइप के जॉइंट जिसमें वो सारे डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं, उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है उनको। सेकेंड इज हिंज जॉइंट। फील योर नी हाउ इट मूव्स व्हाइल यू वॉक और सिट ऑन अ चेयर। इट मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली। अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, फोर्थ डायरेक्शन, द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट वो होते हैं जो कि सिर्फ या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारी एल्बो है। हम इसको एल्बो को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और वापस से उसको उसी पोजीशन में ला सकते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन है वो सिर्फ मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हुआ। तो एल्बो जो हो गया वो एग्जांपल हो गया हिंज जॉइंट का। थर्ड है पाइवट जॉइंट। इट इज़ फाउंड इन द नेक। इट लेट्स यू टर्न योर हेड। यू कैन मूव योर हेड इन सेमी सर्कल। यू कैन ऑल्सो मूव योर हेड अप एंड डाउन मूवमेंट। जो पाइवट जॉइंट का एग्जाम्पल है वो है नेक। ये सेमी सर्कुलर मूवमेंट अलाउ करते हैं। आप अपनी नेक को टर्न करके देखेंगे तो सेमी सर्कल में उसको टर्न कर सकते हैं और उससे ज़्यादा वो नहीं होगी। तो इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो पाइवट जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। इट अलाउस मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टिंग बोन्स लाइक रिस्ट, एंकल और द स्मॉल बोन्स ऑफ द बैक बोन। ग्लाइडिंग जॉइंट्स हम उनको कहते हैं जहाँ पर कि दो बोन्स कनेक्ट होती हैं, जैसा कि हमारी रिस्ट बोन है, एल्बो बोन से जो हमारा हैंड है वो रिस्ट बोन्स के थ्रू कनेक्ट होता है, और वहाँ पर जब हम मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे बोन्स जिनका जॉइंट, जहाँ दो बोन जॉइंट हो रही हैं वहाँ पर मूवमेंट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। नाउ अब हमने ये तो देख लिया है कि बोन्स हमारी बॉडी में कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करती हैं, इसलिए हमको बोन्स की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अब हम देखते हैं केयर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। आवर बोन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमारी जो बोन्स हैं मोस्टली टू मटेरियल्स की बनी होती हैं, एक है कैल्शियम और सेकेंड वन इज़ फॉस्फोरस। और जो कैल्शियम है वो हमको जिन फूड आइटम्स से मिलता है वो हैं मिल्क, योगर्ट, आलमंड्स, ब्रोकोली, कैबेज, ओकरा आर द गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। एंड द सेकेंड जो मटेरियल था वो था फॉस्फोरस। और ये जो रॉ मिल्क या आलमंड्स, ब्राउन राइस, ब्रोकोली, एग्स, पोटैटोस, वाइट बीन्स, इन आइटम्स को अपनी फूड में, अपनी डाइट में हमको इंक्लूड करने से फॉस्फोरस एक अच्छे अमाउंट में मिल सकता है। अगर हम इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी। नाउ वी विल रीड अबाउट द करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। पोस्चर इज द पोजिशन इन विच वी सेट अवर बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग। करेक्ट पोस्चर्स गिव प्रॉपर शेप टू अवर बॉडी। पोस्चर क्या होता है? पोस्चर वो होता है कि जब हम बैठे हों या फिर हम वॉक कर रहे हैं या फिर खड़े हुए हैं, तो हमको एक प्रॉपर वे में स्टैंड करना चाहिए, खड़े होना चाहिए, या फिर वॉक कर रहे हैं तो एक प्रॉपर वे में चलना चाहिए। तो वो क्या क्या प्रॉपर वे हैं जिससे हमारी बॉडी एक अच्छे पोस्चर में रह सकती है, तो देखिए। वाइल सिटिंग, जब हम बैठे हुए हों तो हमारी पोजिशन, बॉडी की पोजिशन किस तरीके से रहनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज़ कीप योर बैक स्ट्रेट। जो बैक बोन है उसको कभी भी बेंड करके, जैसे ये आप पिक में देख सकते हैं, ये चाइल्ड जो बैठा हुआ है इसने अपनी बैक बोन को बेंड किया हुआ है, ये बिल्कुल रॉन्ग पोस्चर है। सही पोस्चर क्या है बैठने का? जैसे ये सेकंड वाला बच्चा हुआ है, इसकी बैक बोन आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमको अपनी बैक बोन को, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। एंड कीप योर चेस्ट अप। जो बैक बोन का अपोजिट पार्ट है, जो चेस्ट पार्ट है, उसको अप डायरेक्शन में रखना है, थोड़ा बाहर निकालते हुए हमको बैठना चाहिए। डू नॉट बेंड योर शोल्डर्स। और जो शोल्डर्स हैं, जैसे कि आप इस पिक में देखें, तो शोल्डर्स को कभी भी नीचे झुकाकर नहीं रखना चाहिए, उनको करेक्ट पोजीशन में रखना चाहिए। सेकंड वन इज स्टैंडिंग पोस्चर। अब हमको जब हम खड़े हुए हैं तो हमारी जो पोस्चर है बॉडी का वो कैसा होना चाहिए। इस पोस्चर में भी सिटिंग पोस्चर की तरह बैक को स्ट्रेट रखना है एंड चेस्ट को आउट की तरफ रखना है, और जो हमारी चिन है उसको अंदर की तरफ रखना है, बाहर निकाल कर नहीं रखना है। इसमें आप देख सकते हैं पिक में, जो फर्स्ट
पिक में दिखाया हुआ है, फोटो में दिखाया है, ये रॉन्ग पोस्चर है, स्टैंडिंग पोस्चर ये इनकरेक्ट है, सेकंड पोस्चर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें इसकी बैक स्ट्रेट है, चिन इन है और जो चेस्ट है वो आउट की तरफ है। थर्ड वन इज वॉकिंग पोस्चर, चलते हुए हमको हमारी बॉडी का पोस्चर कैसा रखना चाहिए। वॉक विद योर बैक स्ट्रेट, हमको तीनों ही पोजीशन में, चाहे हम सिटिंग पोजीशन में हों, स्टैंडिंग पोजीशन में हों या वॉकिंग पोजीशन में, हमको बैक को स्ट्रेट ही रखना है। अच्छा, चलते हुए जो हमारा हेड है वो हमको कभी भी नीचे देखते हुए नहीं चलना चाहिए, स्ट्रेट पोजीशन में ऊपर की तरफ, सामने की तरफ देखते हुए चलना चाहिए। स्विंग योर आर्म्स फ्रीली, जब भी हम चल रहे हैं तो हमको अपने जो आर्म्स हैं हमारे हैंड्स हैं उनको कभी भी पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, उनको फ्रीली मूव करते रहना चाहिए। वियर प्रॉपर शूज़ और फुटवियर, और वॉकिंग करते समय प्रॉपर शूज़ का या किसी भी टाइप के फुटवियर का वियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पोस्चर में देखते हैं, यदि अगर ये फर्स्ट वाला हम पोजीशन देखेंगे तो ये रॉन्ग है। इस फोटो में आप देखें तो चाइल्ड जो है वो गलत तरीके से चल रहा है, उसकी जो चेस्ट है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, उसने अपने बैक बोन को भी झुका हुआ है, बेंड किया हुआ है, जो कि गलत है, और ये अपने हैंड्स को भी मूव नहीं कर रहा है। अगर सेकंड फोटो में देखें तो देखिए इसके हैम भी फ्रीली मूव हो रहे हैं और इसकी चेस्ट भी आउट है और हेड भी अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में सामने की तरफ दिख रहा है, तो ये वॉकिंग का करेक्ट पोस्चर है और ये इनकरेक्ट। नाउ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी पूरी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू कीप अवर बॉडी इन गुड हेल्थ एंड शेप। यंग चिल्ड्रन नीड एक्सरसाइज मोर सो दैट देयर बॉडी विल ग्रो एंड डेवलप करेक्टली। और जो यंग बच्चे हैं, टीनेज के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए एक्सरसाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब वो प्रॉपरली एक्सरसाइज करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, तो उनकी बॉडी का जो डेवलपमेंट होगा वो ठीक से होगा, प्रॉपरली होगा। एक्सरसाइजेस यूजेस द मसल्स ऑफ द बॉडी, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमारी मसल्स यूज होती हैं और जब वो मसल्स डेवलप होती हैं एक्सरसाइज करने से। इट इम्प्रूव्स ब्रीथिंग, एक्सरसाइज करने से हमारी जो ब्रीथिंग है वो इम्प्रूव होती है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट होता है, डाइजेशन, फूड का डाइजेशन अच्छे से हो पाता है, एंड मेक्स मसल स्ट्रॉन्गर, और एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। स्विमिंग, प्लेइंग, साइकिलिंग, रनिंग, ये कुछ एक्सरसाइज के फॉर्म्स हैं, जैसे कि स्विमिंग कर सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं, साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, और रनिंग तो एक बेस्ट एक्सरसाइज है पूरी बॉडी की प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए, हम रनिंग कर सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज थी। When we use our muscles regularly, they become strong. जब भी हम अपनी muscles को regularly use करते हैं तो वो strong बन जाती हैं, इसलिए exercise करने को कहा जाता है, क्योंकि exercise में हमारी muscles use होती हैं जिससे कि वो strong बनती हैं। Thus we must run, इसलिए हमको daily थोड़े बहुत time के लिए running करनी चाहिए, exercise भी करनी चाहिए, और running भी एक type की exercise है, हम different type की exercise कर सकते हैं, और कुछ games भी खेलने चाहिए। Strong bones and muscles are needed to move, work and play. हमको कोई भी वर्क करने के लिए, चाहे हम कोई गेम खेल रहे हैं, अपना कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने बॉडी के मूवमेंट के लिए हमारी मसल्स का और बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड कीप द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। और हम अपनी मसल्स को और बोन्स को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं, एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से, और दूसरा अपनी डाइट को हेल्दी फूड उसमें इंक्लूड करने से अपनी डाइट में। वी शुड ईट न्यूट्रिशियस फूड एंड ड्रिंक मिल्क डेली टू मेक अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। और क्योंकि हमने मैंने बताया था आपको कि बोन्स में टू टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, टू टाइप के सब्सटेंस से मेनली बोन बनी होती है, एक था कैल्शियम और एक फॉस्फोरस। और अगर हम डेली मिल्क लेते हैं तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि मिल्क में काफ़ी अमाउंट में कैल्शियम मिलता है। योगा हेल्प्स टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड ऑल्सो शार्पन द माइंड। और योगा भी एक एक्सरसाइज का ही टाइप है, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, और उससे हमारा माइंड भी शार्प होता है, तेज होता है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, कुछ बच्चों को डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया है, और न्यूट्रिएंट फूड भी दिखाया गया है, जिससे कि हमारी बॉडी एंड मसल्स, बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग होती हैं। नाउ रेस्ट, रेस्ट इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज द फूड एंड एक्सरसाइज। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि फूड और एक्सरसाइज बोन्स को, मसल्स को और पूरी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और उतना ही जितना कि एक्सरसाइज और न्यूट्रिशियस फूड लेना ज़रूरी है, उतना भी रेस्ट करना भी ज़रूरी है। रेस्ट कीप्स अवर माइंड एंड बॉडी हेल्दी एंड गिव्स अस फ्रेशनेस। रेस्ट करने से हमारी माइंड और बॉडी को एक फ्रेशनेस मिलती है। अ गुड स्लीप प्रोवाइड्स रेस्ट टू ऑल बॉडी सिस्टम्स।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम टू गेट रेस्ट। और सबसे अच्छा अगर रेस्ट करने का कोई वे है तो वो है स्लीपिंग। इससे हमारे पूरी बॉडी का जो सिस्टम होता है वो फ्रेश हो जाता है, फ्रेशनेस उसको मिलती है, और ब्रेन और नर्वस सिस्टम होता है उसको थोड़ा रेस्ट भी मिलता है स्लीपिंग से। अब चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाई इज़ स्केलेटन नेसेसरी। जो हमारा स्केलेटन है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस क्वेश्चन में ये बताना। सेकंड, व्हाट आर इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था जो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं वो होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। व्हाट इज़ अ जॉइंट, जॉइंट क्या होता है। मेंशन फोर फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के फोर फंक्शंस हमको डिस्क्राइब करने हैं। द लास्ट वन इज व्हाट डू वी नीड टू कीप अवर बोन्स एंड जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग। हमें हमारी बोन्स को और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। थैंक यू।